हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। एनएस एजुकेशन की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में 21 सितंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। और कल एक प्रश्न हमने पूछा था कि केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में हाल ही में किस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ई सिगरेट। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ई सिगरेट पर पूरे तरीके से बैन जो है वो लगा दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आज का हमारा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं। ये चार ऑप्शन है, एक आपको सही जवाब इसमें देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैग्निफिशिएंट मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये इन्वेस्टर समिट है एक, और इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा इंदौर में। इससे पहले भी हम हालांकि इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी हाल ही में जनसंपर्क मंत्री हैं श्री पीसी शर्मा, इन्होंने इंदौर का जो ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर है, ठीक है, यहां पर ही इसको जो आप इन्वेस्टर समिट है मैग्निफिशिएंट मध्य प्रदेश के नाम से, अभी तक ये इन्वेस्टर समिट के नाम से हुआ करती थी, लेकिन इस बार ये पहली बार मैग्निफिशिएंट मध्य प्रदेश के नाम से हो रही, तो इस जगह पर ये होनी है इंदौर में, ठीक है। और ये जो जनसंपर्क मंत्री, इन्होंने इस आयोजन की तैयारियों का जायजा भी हाल में लिया, और आयुक्त जनसंपर्क श्री पी नरहरि भी इस दौरान उपस्थित थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जनसंपर्क आयुक्त कौन है। इसके अलावा मैं बता दूं, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र इंदौर में जो है हमारा, इसके एमडी कौन है, तो इसके एमडी हैं श्री कुमार पुरुषोत्तम, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट पता होना जरूरी है। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश सरकार अब कितने खिलाड़ियों को सर्वोच्च खेल रत्न विक्रम अवार्ड से सम्मानित करेगी। तो आपको पता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड होता है स्पोर्ट्स से संबंधित, ठीक है। तो पहले अभी तक क्या था, ये 10 खिलाड़ियों को ये दिया जाता था, अलग अलग जो होते थे, मतलब आपके जो अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं उनमें ये 10 खिलाड़ियों को ये दिया जाता था अभी तक, लेकिन अब ये दिया जाएगा 12 खिलाड़ियों को। इसकी पूरी न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। एक तो 12 खिलाड़ियों को अभी दिया जाएगा विक्रम अवार्ड, दूसरा इनकी जो इनामी राशि है वो भी अब बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका प्रस्ताव आ चुका है, पहले जो अवार्ड था विक्रम अवार्ड में 10 दिए जाते थे, अब ये दिए जाएंगे 12। एकलव्य अवार्ड 15 दिए जाते थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। विश्वामित्र में भी कोई चेंज नहीं है। प्रभास जोशी लाइफ टाइम, इनमें भी कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन आपकी जो पहले राशि थी वो 1 लाख और नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब जो विक्रम अवार्ड विनर हैं उनको 5 लाख रुपए की राशि और नौकरी दी जाएगी। एकलव्य अवार्ड जो है वो 50,000 रुपए दिया जाता था, लेकिन अभी कितना दिया जाएगा, 2 लाख रुपए दिया जाएगा। बाकी विश्वामित्र, प्रभास जोशी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में तीनों में जो राशि है वो 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये ध्यान रखें, 50,000 रुपए जो राशि है एकलव्य अवार्ड की उसको 2 लाख कर दिया गया है, और आपकी जो 1 लाख राशि थी उसको अब कितना कर दिया है, 5 लाख कर दिया है, ठीक है। विक्रम अवार्ड की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, 1972 में हुई थी, तब खिलाड़ियों को 1001 प्रशस्ति पत्र, क्रेस्ट, ब्लेजर, स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं। तब से अब तक विक्रम अवार्ड की राशि 500 गुना बढ़ी है, ठीक है। और एकलव्य अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो 1996 में एकलव्य अवार्ड की शुरुआत हुई थी, तब 10,000 रुपये की राशि इसमें दी जाती थी, अब 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। विश्वामित्र अवार्ड जो है ये भी 1996 में ही शुरू हुआ था, और विश्वामित्र अवार्ड किसको दिया जाता है, जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, कोच होते हैं, उनको ये दिया जाता है। उन्हें 20,000 रुपये की राशि दी जाने लगी है, बाद में इस राशि को बढ़ा के 50,000 रुपये कर दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन जो है अब तक 458 खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड से सम्मानित कर चुका है, वहीं 22 वर्षों में 255 खिलाड़ियों को एकलव्य अवार्ड दिया गया है, 218 तक कुल 72 प्रशिक्षकों को विश्वामित्र अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। तो ये है एक्चुअल में क्या है, ये जो दो आपके जो 10 से 2 बनाए गए हैं, दो बढ़ाए गए हैं, इसमें एक्चुअल में क्या है, अवार्डों की संघ सरकार एक पर्वतारोही और नॉन ओलंपिक खेलों के खिलाड़ी को विक्रम अवार्ड देने का इन्होंने मन बनाया है। और तो ये जो पर्वतारोही होंगे इनको एक अवार्ड दिया जाएगा, और नॉन ओलंपिक खेल जो हैं उनके लिए एक आपका दिया जाएगा। तो ये पता होना चाहिए आपको पूरा इसका इतना डिटेल। आगे हमारा, जल का अधिकार कानून के लिए विधेयक पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा। तो इसको भी हम पहले वैसे डिस्कस कर चुके थे, लेकिन अभी फिर से न्यूज में है। तो ये मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो जल का अधिकार के लिए कानून बनाएगा, और उसके लिए विधेयक भी पेश किया जाएगा इसमें।
देखिए, पानी का स्रोत से लेकर उपभोग तक सबको स्वच्छ एवं पर्याप्त जल सुलभ कराने पर इसमें जोर दिया जाएगा, उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा, और पानी को दूषित करने वालों को दंडित करने का भी प्रावधान होगा। हालांकि भी जुर्माने की जो राशि है उसको भी डिसाइड नहीं किया गया है। ये जब पूरे तरीके से ये अभी इसमें विधेयक बन रहा है, कानून बन रहा है, तो बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हो चुकी हैं। चार देशों के कानूनों और केंद्र सरकार के विधेयकों का अध्ययन करने के बाद मध्य प्रदेश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने जल का अधिकार विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है, और इसके नवंबर में विधानसभा के सत्र में पारित किए जाने की संभावना है। तो आप ये मान लीजिए कि 2019 खत्म होते होते जल का अधिकार कानून जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मशहूर कोकून हार की मध्य प्रदेश के मृगनयनी एम्पोरियम में बिक्री की जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं, कोकून एक्चुअल में कोकून क्या होता है, कोकून जो तितली होती है उसका घर एक तरीके से होता है, उसको कोकून बोलते हैं, इसी प्रकार से उनका घर होता है, इसलिए इसको कोकून हार बोलते हैं। छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसकी जो पारंपरिक शैली है, ठीक है, वो कोकून हार है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश भी अब रायपुर में मृगनयनी एम्पोरियम शुरू करेगा, ठीक है, और जो कोकून हार है वो मध्य प्रदेश के मृगनयनी एम्पोरियम में उसकी बिक्री की जाएगी। अगला प्रश्न है, 19वां इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड 2019 मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होगा। गाइज एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये 21 तारीख का वीडियो है, 22 तारीख का जो वीडियो है वो आपको कल सुबह यानी 23 तारीख को सुबह 6 बजे, एनी हाउ आप लाइव रहें 6 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। 22 तारीख का कंटेंट मैंने ढूंढ लिया है, बस वीडियो बनाना है, क्वेश्चंस बनाने हैं, और उसके बाद इसको मुझे रिकॉर्ड करना है, तो मैं आपको सुबह दे दूंगा, रात में नहीं डालूंगा, सुबह आपको 6 बजे वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो 19वां इंडियन टेलीविजन अवार्ड की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो है आपका, ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इसको आयोजित किया जाना है, और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी सबसे पहली बार इंडियन टेलीविजन अवार्ड जो है, 19वां है, मतलब कब से चल रहा है, 19 साल से चल रहा है, तो ये 19 साल से चल रहा है और 19वां है, और मध्य प्रदेश में पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा, 10 नवंबर को किया जाएगा, इंदौर के स्थानीय नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। ये इससे फायदा क्या होगा, मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माण और टेलीविजन धारावाहिक की शूटिंग के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित होगा। आपको भी पता होगा, हाल ही में अगर 4-5 साल की बात करते हैं तो बहुत सारी जगह पर, जैसे आपका महेश्वर हो गया, होशंगाबाद हो गया, भोपाल हो गया, अलग अलग जगह पर काफ़ी जो बॉलीवुड की हस्तियाँ हैं वो आई हैं और उन्होंने यहाँ पर शूटिंग करी है, कई मूवीज़ की भी शूटिंग यहाँ पर हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंदौर। तो इन्हीं सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस शहर में कौशल एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। देखिए, भोपाल, इंदौर, उपरोक्त दोनों, तो इसका वैसे जो सही आंसर है वो है इंदौर। और ये जो घोषणा है, ये जो उच्च शिक्षा मंत्री हमारे हैं, खेल मंत्री हैं, उन्होंने इस चीज़ की घोषणा करी है, इंदौर में कौशल और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना बहुत जल्द की जाएगी। अगला प्रश्न है, इस वित्त वर्ष में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया भारिया और बैगा, ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं ये तीनों, ठीक है, ध्यान रखें, इन परिवारों की को कुपोषण की समस्या से मुक्त कराने के लिए विशेष पोषण आहार अनुदान योजना, योजना है एक्चुअल में विशेष पोषण आहार अनुदान योजना, इसके तहत कितने बजट का प्रावधान किया गया है। तो इस वित्त वर्ष में, ये ऑप्शन मैं चेंज करना भूल गया, इसमें इसके लिए टोटल जो बजट है, ठीक है, ये जो तीन जो आपकी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की, सहरिया भारिया और बैगा, इनके लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है वो है 285 करोड़ रुपए का, इसमें प्रावधान किया गया है। और इस योजना में पिछले वित्त वर्ष में 1,64,303 महिलाओं के बैंक खातों में 197 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि जमा करी गई थी। ये डेटा जरूर याद रख लें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, इस योजना में होता क्या है, एक्चुअल में प्रत्येक परिवार की जो महिला मुखिया होती है उसके खाते में प्रति माह 1,000 रुपये की राशि विभाग के द्वारा, यानी कौन सा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा, कमेंट करके बताएं इसके मंत्री कौन है मध्य प्रदेश में, आदिम जाति कल्याण मंत्री जो है वो कौन है। गाइज एक और मैं आपको एक बता दूं, एक वीडियो जल्द ही आपके लिए बहुत शानदार वीडियो आने वाला है मध्य प्रदेश के, जिसमें हम चीफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। आपने अभी तक ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, जनरली जो आजकल व्यापम का पैटर्न है उसके हिसाब से उस वीडियो को मैं बना रहा हूँ कि मुख्यमंत्री से संबंधित 4 से 5 पॉइंट, जैसे पहला मुख्यमंत्री जो थे रविशंकर शुक्ला जी,
शुक्ला जी से संबंधित काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, या पर्टिकुलर कब हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा है, तो इन सब चीजों में जो व्यापक घुमा फिरा के जो प्रश्न पूछता है उसको मैं तैयार कर रहा हूँ। काफी टाइम लग गया है उसमें, तो जल्दी वो वीडियो भी आप तक आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प विकास के लिए किस राज्य के साथ एमओयू साइन किया है? तो ये जो एमओयू साइन किया गया है ये करा गया है छत्तीसगढ़ से, किसके लिए? हस्तशिल्प विकास के लिए, ठीक है। और उसी के तहत जो मृगनयनी है इसी एमओयू के तहत आपका कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में बनेगा, मध्य प्रदेश का। तो ये छत्तीसगढ़ के साथ एमओयू या करारनामा साइन किया गया है। और मैं आपको बता दूं, रायपुर जो है आपका छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर वायर सेलर मीट जो थी, इस वायर सेलर मीट में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल, उनकी मौजूदगी में मध्य प्रदेश के हाथकरघा आयुक्त, ध्यान रखें, श्री राजीव शर्मा, हमने इसको करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था, और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास निगम के प्रबंध संचालक, ठीक है, श्री हेमंत पहाड़ी, इन्होंने एमओयू पर साइन करें। इस एमओयू के अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्पियों और बुनकरों के उत्पादों की बिक्री में शासन स्तर पर सहयोग किया जाएगा, ताकि देखिए इस तरीके के जो हाट होंगे होते हैं, जैसे आपको पता है भोपाल हाट एक जैसे होता है, भोपाल हाट में क्या होता है, इन लोगों की प्रदर्शनी लगाई जाती है, अलग अलग बाहर से लोग आते हैं, और सरकार क्या होती है, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन चीज़ों को प्रमोट करती है। प्रमोट करने से क्या होता है कि हमारे यहाँ की जो इस तरीके की चीज़ें हैं, जो हस्तशिल्प है या कोई भी इस तरीके का आर्ट है, वो राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जाता है, ठीक है। और इससे हमारे यहाँ क्या होता है, इससे हमारे यहाँ जो कैपिटल होता है वो बढ़ता है, इससे हस्तशिल्पियों और बुनकरों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा। गाइज हमारी वेबसाइट भी अब अपडेट होने लगी है, जिसमें एमपी जीके और एमपी का करंट अफेयर जो है वो अब अपडेट किया जाने लगा है। उसमें आपको वेबसाइट खोलनी है www.nseducation.in, इसमें यहाँ पे जाना है आपको एनएस ब्लॉग में, यहाँ पे आपको डिफरेंट करंट अफेयर और दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। टेलीग्राम का हमारा चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हम जो आपको एक प्रश्न जो हम आपसे पूछते हैं डेली, एक प्रश्न मैं आपसे लेता हूं, मैं आपको बता दूं, गारंटी ले रहा हूं मैं कि आपके व्यापम में जो नेशनल लेवल का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि 75 से 80% का जो नेशनल करंट अफेयर है वो आपको उन्हीं क्वेश्चन से मिल जाएगा। इसलिए ज़्यादातर लोग कमेंट करें, चाहे आपको गूगल करना पड़े चाहे कैसे भी करें, लेकिन उसको आप कमेंट जरूर किया करें। अगला हमारा फैक्ट है, राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए मध्य प्रदेश की कुराश टीम घोषित। देखिए ये क्या है, राष्ट्रीय सब जूनियर कुराश स्पर्धा है, यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कब से कब तक आयोजित होगी, ये 20 से लेके 22 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है कि ये कहाँ पर होगी, तो ये है आपकी गुड़गांव हरियाणा में आपकी ये आयोजित होगी, ठीक है। गुड़गांव अब आपका क्या बन गया है, गुरुग्राम बन गया है, ठीक है, ध्यान रखें इसको। और इसके लिए मध्य प्रदेश टीम का चयन जो है वो दतिया में संपन्न राज्य स्पर्धा में प्रदर्शन के आधार पर किया गया। ये पूरी टीम है, हालांकि इसमें हर किसी के नाम हम याद नहीं रख सकते हैं, आपको बस केवल इतना याद रखना है कि यहाँ पे कहाँ पर होगी और कब होगी, बस कौन सी स्पर्धा है, क्योंकि इतने सारे नाम बिल्कुल भी याद नहीं रख सकते। हाँ, ये कोई मेडल अगर जीत के आते हैं तो आपको नाम का नाम वगैरह जो है वो याद रखना होगा। अगला फैक्ट हमारा, जल प्रबंधन भी करेगा वन विभाग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कैंपा, कैंपा के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कैंपा जो है इसका फुल फॉर्म कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएं। देखिए केंद्र सरकार से कैंपा की एक मद मिलती है, ठीक है, तो अब वन विभाग को एक मद दी जाएगी जिससे वो पौधारोपण के साथ साथ जल प्रबंधन का भी कार्य करेगा। और कैंपा की जो कार्य समिति है उन्होंने इसके लिए 763 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं, और मंजूर करने के बाद उन्होंने कहा है कि आप एक योजना मुझे बना के दें, ठीक है। तो वन विभाग से वार्षिक पूरे साल में क्या क्या आप करेंगे, कैसे करेंगे जल प्रबंधन, वो सब उन्हें योजना बना के उनको देना है। जल प्रबंधन के तहत जो वन विभाग है वो छिंदवाड़ा, धार, झाबुआ, शहडोल, छतरपुर सहित अन्य जिलों में ऊंचे पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा प्लेटफॉर्म तैयार कर पानी रोकेगा। विभाग के अफसरों का दावा कि इससे पहाड़ रिचार्ज होंगे और पौधारोपण में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये जो वन मुख्यालय की कैंपा कार्य समिति की बैठक हुई उसमें इस तरीके के जो फैसले हैं वो लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको ये जो डेटा है वो याद रखना है, 763 करोड़ रुपए कैंपा की मदद से। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैंपा क्या है। तो गाइज ये पूरा था हमारा आज का वीडियो, वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।